दिन बचा हुआ है, क्या क्या पढ़े। तो ऐसा करना है कि हमको सिलेबस के लिए हेडेक नहीं लेना है। सिलेबस जो है बहुत बड़ा है, इसे वैसे है। तो देखिए सिलेबस जो है बहुत, एक तरह से आप क्लासिफाई करके देखते हैं तो बहुत ही छोटा सिलेबस है। जैसे मैथ में मान लीजिए, तो मैथ में क्या है, इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है और 3D ज्योमेट्री है ना। इसमें तो आपका 80% जो है खत्म हो जाता है इसी में। इसके बाद डिटरमिनेंट है, इधर 20% में आ जाता है। तो मतलब मेन जो है तीन है। इसके बाद आप फिजिक्स में भी देख लीजिए, तो आपका फिजिक्स में है मोशन है, चार्ज है और ऑप्टिक्स है, मेन तीन तो है, मेन तीन है। उसी प्रकार से केमिस्ट्री में भी, तो केमिस्ट्री में क्लास फाइव कीजिएगा तो फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, और इंग्लिश में भी जो है पोएम पोएट्री, तो आप लोगों को पूरा एकदम अंदर से नहीं पढ़ना है कि ये क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। उस तरह से न तो खत्म हो पाएगा सिलेबस और न कुछ समझ में आ पाएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि जो कॉमन चीज होता है, ठीक ना, जैसे आप मान लीजिए हम आपको किताब दे दिए कि आप इस पे इस किताब को आप कोई क्वेश्चन खोज के दिखाइए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जो आप पढ़े होंगे है ना, वही क्वेश्चन खोजेंगे। तो जो पढ़ा हुआ क्वेश्चन है उसी को खोजना है, ठीक है ना, जो मतलब कॉमन है, जो आ सकता है, ठीक है। ये नहीं कि बहुत अंदर से जो जो लिखवाए हैं वो सब क्वेश्चन नहीं आता है। और क्वेश्चन का पैटर्न जानना बहुत ही जरूरी है। पैटर्न मतलब कि आप मान लीजिए कोई फॉर्मूला, ठीक है, मैथ में मान लीजिए कोई फॉर्मूला, जैसे कि बोलते हैं कि टैन का जो होता है, क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ टैन, इंटीग्रेशन ऑफ टैन थीटा जो होता है वो होता है लॉग कॉस, ठीक है ना। तो लॉग सेक थीटा होता है। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि लॉग सेक का डिफरेंशिएशन कीजिए, तो आपको उस पैटर्न भी आना चाहिए कि हम उसको उल्टा कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। सीधा सीधे पढ़ने से नहीं होता है, आपको क्या करेगा, घुमाने के लिए आपको पैटर्न उलट करके देता है क्वेश्चन, ठीक है ना। हमेशा क्वेश्चन पैटर्न को उलट करके क्वेश्चन आपको डाल देता है और पूछता है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो उस तरह से ज्यादा थोड़ा आप लोग पढ़ने पर ध्यान दीजिए अभी, ठीक है ना, क्योंकि आप जो है शुरू से आप रट नहीं सकते हैं सब, ठीक है ना। तो समझने का प्रयास कीजिए। और एक बात कहना चाहेंगे कि कभी कभी देखिए हमारे साथ क्या होता है कि एग्जाम हॉल में बैठते हैं, खूब पढ़ के जाएंगे तो बिल्कुल अच्छे से, और फिर जाकर के क्या होता है कि भूल जाते हैं, होता है।